हेलो एवरीवन, और आज की रेसिपी है अनियन विनेगर वाली, जो रेस्टोरेंट्स में हम सभी खाते हैं। वो गोल गोल छोटी छोटी सी प्याज होती है ना, वो बड़ी मज़ेदार लगती हैं और किसी भी खाने का मज़ा ये दुगना कर देती हैं। रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिए हैं ये चार थोड़े से बड़े प्याज। आपको छोटे छोटे प्याज मिले तो आप वो लीजिएगा, मुझे नहीं मिले बट बड़े भी होंगे तो कुछ इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको काट लीजिए। ये अराउंड 500 to 600 प्याज हैं। इसके सामने मैंने चार हरी मिर्चें, जो बहुत तीखी नहीं है, बहुत तीखी है तो दो ही काफ़ी होंगी, और एक छोटा सा बीटरूट ले लिया है। अभी प्याज को मैं राउंडल्स की तरह काट रही हूँ, आप इसके चाहे तो स्लाइसेस जूलियंस निकाल लीजिए। और अगर यू आर लकी इनफ कि आपको छोटे छोटे प्याज मिल जाए तो उसे तो काटने की ज़रूरत नहीं है, उसमें सिर्फ दो चीरे लगा दीजिए। आपने देखा होगा रेस्टोरेंट्स में कैसे होते हैं, वो फुल्ली कटे नहीं होते, सिर्फ उसके ऊपर ऐसे क्रॉस के निशान में चीरा लगा होता है, सो दैट विनेगर का सोल्यूशन अंदर तक चला जाए। तो प्याज को मैंने इस तरह राउंडल्स में काट लिया है, और मिर्ची को मैं इसी तरह रफली काट लूँगी। आप चाहें तो इन्हें होल भी डाल सकते हो, सिर्फ चीरा लगा के ऐसे होल डाल दीजिए। और इसके बाद बीट रूट को थोड़ा छोटा छोटा काट लीजिए। ये जो मिर्ची और बीट रूट है इसे भी खाया जा सकता है। मेक श्योर आप बीट रूट को थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में काटें, इससे वो बढ़िया पिंक कलर आने में मदद मिलेगी। सब्जियां तैयार हो चुकी हैं। अब लेंगे एक बोल और इसमें डालिए 1/4 कप शुगर। इसमें 3 टेबलस्पून से लेकर 1/4 कप तक आप शुगर डाल सकते हैं। ये 1/4 कप शुगर गया, इसके बाद जाएगा इसमें 1 चम्मच नमक, नॉर्मल चम्मच से मेजर करके मैंने नमक ले लिया है। इसके बाद 1 कप मैं इसमें आप पानी डाल रही हूँ। अभी सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, जिस तरह मैं कर रही हूँ, बोल में सारी चीज़ें एक साथ मिक्स कर रही हूँ। ये इजी शॉर्टकट है, आप इस तरह भी कर सकते हो। आप चाहे तो चीनी को, नमक को पानी में उबाल के घुला लीजिए, फिर ठंडा कर लीजिए। सॉल्यूशन तैयार हो गया। इसमें सेम कप से मेजर करके मैंने इक्वल अमाउंट का विनेगर डाला है, कुकिंग विनेगर, वाइट विनेगर भी कहा जाता है, जो हम चाइनीज़ खाने में इस्तेमाल करते हैं। सोल्यूशन हो गया है रेडी। एक भरनी ले लीजिए, भरनी को अच्छी तरह से धोकर पोंछकर सुखाकर तैयार कीजिए, स्टरलाइज होनी चाहिए। और इसमें एक लेयर लगाइए प्याज का, जितने सारे प्याज हैं उसके आधे प्याज यहाँ डाल दीजिए। इसके बाद आपके जो मिर्ची और बीटरूट है उसका भी आधा यहाँ पर लेयर कर दीजिए, और फिर इसके ऊपर बाकी बचे हुए जो आपके प्याज हैं वो लेयर कर दीजिए। एंड इनकी लेयर हो जाने के बाद जो बचे हुए मिर्ची और बीटरूट है उसको लेयर कर दीजिए, और आपका जो सोल्यूशन आपने तैयार किया है ये इसमें पोर कर दीजिए। दिस सोल्यूशन इज़ क्वाइट इनफ फॉर दिस क्वान्टिटी, बट अगर आपको फील होता है कि थोड़ा ऊपर से चीज़ें डूब नहीं रही हैं तो एक्स्ट्रा फिर पानी मिला दीजिए रूम टेम्परेचर। और ये देखिए मिर्ची फ्लोट हो रही है, और जो आपकी बीट रूट है, प्याज है, ये डूब चुकी है। बस इतना इसमें लिक्विड होना चाहिए, ढक्कन लगा दीजिए और फिर इसको फ्रिज में रखिए 45 to 48 hours, और इसके बाद ये प्याज खाने के लिए तैयार हो जाएगा। आप इसे फ्रिज में ही स्टोर करें, 10 से 12 दिन तक ये आराम से चल जाती है, और जब प्याज खत्म हो जाए सेम लिक्विड में फिर से प्याज भर दीजिए। गिव दिस रेसिपी अ ट्राई, आपको पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।